त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो वहीं रक्षाबंधन को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं, जिसके चलते इस बार पूजा राखी में लाइट राखी, टैडी राखी, बच्चों के लिए टॉय राखी, भैया भाभी राखी, स्टोन राखी, भैया भाभी पेयर सेट, एडी राखी, कुंदन राखी, खाटू श्याम राखी, राम मंदिर और श्री राम राखी भी काफ़ी प्रचलित हो रही है। सावन के मौसम में भोले शंकर की स्पेशल राखियाँ, रुद्राक्ष राखी, डमरू और त्रिशूल वाली राखियाँ भी लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं। इस अवसर पर सतपाल गुंबर, अनिल गुंबर, आंचल गुंबर, सुनीता रानी, मन्नत, सोनी, सूरज, आकाश, दीपक, मनीष, रामचंद्र, रागिनी, वीना, अनीता भी मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जालंधर के शहर वासियों को पूजा राखी वालों बहुत बहुत लकड़ी दी बधाइयां। लकड़ी का त्यौहार आने वाला है, मतलब सारे त्यौहारों में सब तो पहला त्यौहार लकड़ी का आता है। लकड़ी तो सारे त्यौहार शुरू होते हैं, तो दिवाली तक सारे त्यौहारों का लगभग सिलसिला जारी रहता है। मार्केट के जो माहौल है उस हिसाब से लकड़ी तो सारे त्यौहार शुरू होंगे, तो हौली हौली सारे मार्केट का माहौल सही होगा। पूजा राखी का हर साल की तरह इस साल भी आप नवे नवे डिजाइन लकड़ियाँ ले आए हैं। उन्हें कई तरह आकर्षण रखड़ियाँ, जिमें लेडीज़ राखी हैगी, लेडीज़ राखियाँ हो गई, बच्चों दी राखियाँ हो गई, और कई तरह के नवे नवे डिजाइन आप लेके आए हैं, जिन्हों के नाल आप नवी तो नवी चीज़ें लिया के बारे बाजार के बढ़ा, तो त्यौहार आप उम्मीद लाने की बहुत वधिया जाएगा। और मॉस्किटो बैल्ट सब तो वधिया आई है, कीटनाशक मॉस्किटो बैल्ट है, इन्हें लाइट भी है, टच करके लाइट चल रही है, प्रेस करने की कोई लोड़ नहीं हैगी। फिर इन सब तो जल्दी जोड़ा है मॉस्किटो आइटम बीच ना रिफ्लैक्ट कर रही है, तो उन्होंने कीटनाशक भी होंगे, बाकी बच्चों के ब्रासलेट की आइटम भी हैगी है, बच्चे के होर लाइट्स की आइटम है, डोरीमोन हो गया, बेंटन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, हर तरह के जिस तरह बच्चों टॉयज चाहिए उस तरह की आइटम है। उ बस बच्चे लिए जो बच्चों खुद अट्रैक्टिव करते हैं कि बच्चे खुद जाके यह लैन कि मैं मम्मा ए चाहिए, मैं होर कुछ नहीं लैना। ब्रासलेट हैगा भैया भाभी की, कड़ा है, भैया भाभी ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਅਰ ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋਅ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਸਲੋਅ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਝੂਠ ਹਾਲ ਆਏਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅੱਜ ਨਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਸਵੇਰੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਚੋਕਲੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਲੰਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ।